Hello friends, I welcome you all to Sutr Academy. Today we will study question tags, won't we? Okay, yesterday we studied mathematics, didn't we? Again, okay. You all are looking at me, aren't you? दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किन तरह के sentences का use कर रहा हूँ. मैं हर sentence में negative और positive दोनों तरह के statement use कर रहा हूँ. जबकि हम लोग आज तक ये पढ़ते आए हैं कि कोई सेंटेंस या तो पॉजिटिव होता है और या तो नेगेटिव, तो फिर ये सेंटेंसेस क्या हैं? तो दोस्तों, आज हम कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाफ होते हैं, और वो टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स. तो दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स को समझने के लिए हमें समझना होगा तीन चीज. सबसे पहला, ये क्वेश्चन टैग है क्या? दूसरा, ये क्वेश्चन टैग क्यों यूज होता है? और तीसरा, क्वेश्चन टैग कैसे यूज होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है. आप देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो दो हाफ में डिवाइड होते हैं, और वो दो हाफ उसके सेंटेंस के दो अलग अलग क्लाउजेस होते हैं. जो फर्स्ट क्लाउज होता है उसे हम लोग मेन क्लाउज कहते हैं, और जो सेकेंड क्लाउज होता है उसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं. आपको ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर उसका मेन क्लाउज जो है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग वाला क्लाउज जो होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर मेन क्लाउज जो उसका नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग वाला क्लाउज पॉजिटिव होगा. तो ये सबसे पहली चीज है कि आपका क्वेश्चन टैग क्या है. दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग क्यों यूज करते हैं. हम लोग सभी लोग क्वेश्चंस यूज करते हैं कुछ तरह के, कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस. ठीक है, अब जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि मेरे मन में कोई ओपिनियन है और उसकी कन्फर्मेशन लेने के लिए मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. जैसे मैं कहता हूँ, यू स्टडी मैथमेटिक्स, डोंट यू, इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पर मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये इस तरह का सेंटेंस है. सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस बट आर बीइंग यूज्ड टू कंफर्म द स्पीकर्स ओपिनियन. दोस्तों, हम दो तरह की बातें हम अभी तक कर चुके हैं. पहली, कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं. दूसरी, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं. अब बात करते हैं तीसरे की, कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है. तो दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे हमारे को समझ में आएगा कि क्वेश्चन टैग्स को कैसे समझना है. डू यू टेक टी, डोंट यू. अब आप देखेंगे कि इसका जो मेन क्लाउज है, यानी फर्स्ट क्लाउज जो है वो इसका पॉजिटिव है, तो पहला पॉजिटिव रखेंगे तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सेकेंड सेंटेंस जो है ये इसी का अपोज है. अब ये क्या है, डोंट यू टेक टी, डू यू, इसका मतलब है पहला वाला हमने नेगेटिव रखा और दूसरा वाला पॉजिटिव रखा. इसके मायने होते हैं कि मैं कब पहला पॉजिटिव रखता हूं और कब पहला नेगेटिव रखता हूं. अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कि मेरा ओपिनियन किसी के बारे में है, या मैं जानता हूं कि सामने वाला चाय पीता है, बस मैं उसको कंफर्म कर रहा हूं, चाय पीता है या कुछ भी करता है, मैं उसको कंफर्म कर रहा हूं, तो मैं ये वाली पोजीशन यूज करता हूं, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव. अब ये वाला क्या है, मुझे पता है कि वो चाय नहीं पीता या वो ये काम नहीं करता, फिर भी मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, आप देख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के सेंटेंस की. राम इज सिंगिंग, इजंट ही, यानी कि राम गाना गा रहा है या नहीं. ठीक है, आप देखेंगे जो मैं हेल्पिंग वर्ब यहां यूज कर रहा हूं वही हेल्पिंग वर्ब मैं यहां पर भी यूज करूंगा. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता. आप यहां पर भी देखेंगे ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैं यहां यूज करता हूं और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैं यहां यूज कर रहा हूं. यानी मेरे को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को ही यूज करना है. जो फर्स्ट सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट हाफ का हेल्पिंग वर्ब है, वही मैं सेकेंड हाफ में भी यूज करूंगा. एक हम अगला सेंटेंस देखते हैं, सीता डांस्ड वेल, डिडंट शी. अब ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया कि इसमें मैंने डिडंट यूज किया है, लेकिन यहां पर तो कहीं पर डिड है ही नहीं, है ना, तो ये अजीबोगरीब सेंटेंस कैसे बन गया. तो ये रूल के तो बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, लेकिन हम इसको इसी वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. मैं सिर्फ आपको वाकिफ करा रहा हूं सेंटेंसेस के, कि सेंटेंसेस कैसे कैसे आपके सामने आ सकते हैं. नन कैन से सो, कैन दे. अब आप देखेंगे यहां पर मैंने
जो प्रोनाउन यूज किया है वो दे यूज किया है और इसमें ऐसा कोई भी प्रोनाउन नहीं है। जैसे इसमें सीता था तो मैंने यहाँ पे शी यूज किया, यहाँ पे राम था तो मैंने वहां पे ही यूज किया, यहाँ पे यू था तो मैंने यहाँ पर यू यूज किया, यहाँ पर भी यू था और मैंने यहाँ यू यूज किया, पर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा ऐसा सेंटेंस बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अलग अलग रूल्स क्वेश्चन टैग पर कि वो रूल्स क्या कहते हैं हमसे। दोस्तों अब समझते हैं क्वेश्चन टैग्स के मजेदार रूल्स कौन से हैं। सबसे पहला रूल हमें ये कहता है वी यूज सेम हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग एज मेन क्लाउज, यानी कि मेन क्लाउज में जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वही हम लोग क्वेश्चन टैग में भी यूज करेंगे। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है यू आर लर्निंग फ्रेंच, aren't you? अब इसमें आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके इज एम आर, वॉज वर, बी बींग बीन, हैज हैव हैड, डू डिड, ये और डज, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। मैं देख रहा हूं यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मुझे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम है क्योंकि मेन वर्ब को मैं दोबारा से यूज नहीं करने वाला, मैं इसी से काम चला लूंगा, ठीक है। यू आर लर्निंग फ्रेंच, aren't you? अब यहां पर आर जो है ये पॉजिटिव है और मैंने आपको बता रखा है कि पहला पार्ट पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये aren't हो जाएगा, आर नॉट मिलकर के aren't हो जाते हैं, was not, wasn't, were not, weren't, इसी तरह से काम करता है ये, ठीक है। तो पहला वाला आर यूज हुआ तो सेकंड पार्ट में भी हमने आर यूज कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोहित वॉज लाफिंग एट मी, wasn't he? यानी मोहित मुझ पर हंस रहा था कि नहीं, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि हमने यहां वॉज यूज किया है और यहां पे wasn't यूज हो रहा है क्योंकि पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। खैर नेगेटिव का ध्यान अभी ना देकर के आप ध्यान दो हेल्पिंग वर्ब पे, तो हेल्पिंग वर्ब यहां भी वॉज था, यहां भी वॉज है, यहां भी आर था, यहां भी आर है। हमारा थर्ड पार्ट जो है वो है दे वोंट हेल्प मी, विल दे? अब ये वोंट क्या होता है, विल और नॉट मिलकर के वोंट बनते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि वुड और नॉट मिलकर के वोंट बनते हैं, लेकिन वुड नॉट मिलकर के वुडेंट बनते हैं, विल नॉट मिलकर के वोंट बनते हैं। तो ये विल है तो यहां पर भी हमने क्या किया, विल यूज किया। और साथ में एक बात आपको क्वेश्चन टैग में हर एक तरह के सेंटेंसेस में ध्यान देनी होगी कि अगर पहला हाफ नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, ठीक है। तो इस पर मैं बार बार बात नहीं करूंगा, मेरा ख्याल आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये तो हमने कर लिया कि अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिए हैं तो हम सेकंड वाले पार्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या हो कि अगर हमारे फर्स्ट हाफ में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग डू का फॉर्म यूज करते हैं। और डू के जो डू को अगर मैं एज ए हेल्पिंग वर्ब देखूं तो वो तीन फॉर्म बनाता है, एक बनाता है डू, एक बनाता है डज और एक बनाता है डिड। अब ये तीन अलग अलग की क्या जरूरत है, डू भी तो वो काम परफॉर्म कर सकता था। मैं इसको आपको समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। आप यहां पर देखें कि आपके पास में डू और डज एक चीज अलग कर लें और एक ये अलग कर लें, ठीक है। हम डू और डज का यूज जो है वो प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है, और डिड का यूज हम लोग किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। तो जब प्रेजेंट में यूज करने के लिए मेरे पास एक डू है तो मैं डज क्यों यूज कर रहा हूं, जबकि पास्ट में तो मैं सिर्फ डिड यूज कर रहा हूं। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, डू जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और डज जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब ये कैसे कैसे होता है हम यहां समझते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिया है राम राइट्स पोएम्स, डजंट ही, यानी कि राम जो है वो कविताएं लिखता है या नहीं, ठीक है। हम उसको अगला पार्ट बनाते हैं कि नहीं लिखता, ठीक है। तो अब क्या है यहां पर आपको देखने वाली बात कि आपने यहां पर जो यूज किया है राम के बाद डायरेक्ट आपका मेन वर्ब आ गया है। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं हो, आप इसमें ना तो इज है, ना आर है, ना एम है, ठीक है, ना वॉज वर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डू यूज करते हैं। और ये केसेस कब बनते हैं आपके, ये केसेस सिर्फ दो तरह के सेंटेंस में बनते हैं, या तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट हो यानी कि पास्ट सिंपल, या फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो यानी कि प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल बन रहा है, तो प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, डू या डज। तो अब मैं यहां पर इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं डज। मैं डज क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट को आप देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैं एस ई एस लगाता हूं डू के फॉर्म पे। अगर यहीं पर प्लूरल होता तो मैं यहां एस ई एस नहीं लगाता। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं वी स्टडी मैथमेटिक्स, डोंट वी, यानी कि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वी जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैं क्या यूज करता हूं, डोंट यूज करता हूं, यानी मैं डज ना लगा करके डू यूज करूंगा अगर वो एक से ज्यादा हो गया।
तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज है फिलहाल, डोंट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है, शी एट ऑल द मैंगोज डिंट शी। अब मैंने यहां पर डिंट लगा दिया, क्यों भाई, डू और डज में क्या प्रॉब्लम थी जो मैंने यहां पर डिड यूज किया, ठीक है। अब देखेंगे कि यहां पर जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो ये टेंस साफ दिख रहा है कि ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है। पास्ट इनडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ये अब क्या हो गया आपका एट सेकंड फॉर्म। तो यानी कि ये मैं यूज कर रहा हूं पास्ट टेंस, तो पास्ट में मैं क्या यूज करता हूं, डिड, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मैंने डिविजन्स कर रखे हैं प्रेजेंट में, सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग कर रखे हैं, लेकिन अगर मैं पास्ट की बात करूं तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डिड लगाते हैं। एक एग्जांपल मैंने प्लूरल का भी ले लिया आपके लिए, राम एंड श्याम। अब आप देखेंगे ये तो नाम है, एक बंदा है राम और एक बंदा है श्याम, पर दो मिल गए तो वो दो हो जाएंगे, ठीक है, ये बात आपको समझने वाली है। तो राम एंड श्याम जब दो हो गए हैं, अगला मैं टेंस देखूंगा हेल्प्ड, तो ये फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, इसीलिए मैं आगे वाले में क्या करूंगा, पास्ट यूज करूंगा, तो वो बन जाएगा डिड, ठीक है। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है, इसमें से कोई भी सेंटेंस पहले वाले नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए मैं अगले वाले पार्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सारे के सारे नेगेटिव बना रहा हूं। ये डू और डज और डिड आपके समझ में आ गया, नेगेटिव ऐसे बन गया। अगर मैं क्या होता, पहला वाला ही नेगेटिव बनाता, तो पहला वाला नेगेटिव बनाता, चलो इसको नेगेटिव बनाते हैं लास्ट वाले को, राम एंड श्याम, तो वो हो जाता डिंट हेल्प पुअर्स, वो ऐसे होता। तो मैं यहां पर जब कभी भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वहां पर डू का फॉर्म यूज करते हैं, जिस तरह से हमने यहां पर यूज किया है। तो पास्ट में मैं डिड लगा रहा हूं, तो मेरे पहले ही हाफ में डिड आ गया, तो मेरे सेकंड हाफ में तो मुझे पता है कि फिर मैं डिड लगा दूंगा, क्योंकि हमें पता है जो पहले हाफ में आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वही सेकंड हाफ में होता है। तो मैं यहां पर जो रूल लेके चल रहा था उसमें क्या ले रहा था, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, ये आपको ध्यान देने वाली चीज है कि नो हेल्पिंग वर्ब, अगर पहले हाफ में यानी कि मेन क्लाउज में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड क्लाउज में आपका हेल्पिंग वर्ब डू का कोई फॉर्म होगा। इसीलिए मैंने ये सारे सेंटेंस पहले वाले पॉजिटिव बनाए हैं और सेकंड वाले जो है वो नेगेटिव बनाए हैं। तो ये हमने पहला रूल पढ़ा जो कि बहुत आसान है, पहला जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं डू का कोई फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है। और इसके फॉर्म में क्या है, डू डज और डिड है, प्रेजेंट में मैं डू और डज यूज करूंगा, प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज, और डिड जो है वो पास्ट में यूज करता हूं विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से अपना अगला रूल, देखते हैं कि अगला रूल हमें क्या कहता है। रूल कहता है वी डोंट यूज नाउंस एज ए सब्जेक्ट इन क्वेश्चन टैग्स बट प्रोनाउंस, यानी कि जो आपका क्वेश्चन टैग वाला पार्ट है उसमें आप नाउन यूज नहीं करते, आप उसमें हमेशा प्रोनाउंस यूज करते हैं। जैसे सुमित हेट्स रानी डजंट ही, अब मैं यहां पर सुमित डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं उसकी जगह क्या यूज करता हूं, प्रोनाउन यूज करता हूं। तो सुमित का प्रोनाउन जो यूज करूंगा मैं वो ही करूंगा, अगर यहां कोई लड़की होती तो मैं यहां शी करता, ठीक है। और अगर मान लो मैं किसी दो बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, दो लड़का हो लड़की हो या फिर लड़का लड़की हो, तो मैं इनके साथ, ये दो हो गए हैं तो मैं इनके साथ मैं क्या यूज करता हूं, दे यूज करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सुमित यहां यूज नहीं किया और रवि और सोहन यहां यूज नहीं किया, और बाकी जो रूल्स हम करते हैं वो वैसे ही चल रहे हैं। जैसे यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रही तो मैंने यहां पर डज यूज किया, डज इसलिए यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर था। अगला वाला राम एंड सोहन दो नाम है और इनके साथ आर यूज हो रहा है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब आर है तो आप यहां पे हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है, सेम रूल है, ठीक है। अब आप इसको नोट समझ लें या फिर इसका आप अगला रूल समझ लें, देखिए वो क्या है, मेन क्लाउज सब्जेक्ट अगर आपके दीज होते हैं, दिस होता है, दोज होता है, दैट होता है, देयर होता है, तो जो अब आपका जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज होता है तो वो दीज का दे हो जाएगा, दिस का इट हो जाएगा, दोज का दे हो जाएगा, दैट का इट हो जाएगा, देयर का देयर ही रहता है, ठीक है। इन सब पर मैंने एक एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है ताकि ये पिक्चर हमारे को क्लियर हो जाए, ठीक है। इसे समझते हैं हम कि ये क्या चीज है, देखते हैं, दीज आर एनिमल्स aren't they, अब मैंने क्या किया, आप दीज वाला रूल पढ़े, दीज के साथ मेरे को दे लगाना है, ठीक है, दीज आर एनिमल्स, ये जानवर हैं या नहीं है, ठीक है, तो आर के साथ तो aren't लगा दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन दीज अगर सब्जेक्ट की तौर पे यूज हो रहा है तो मैं इसके साथ क्या लगा देता हूं, दे लगा देता हूं, ठीक है। अगर मेरा यहां पर दोज लगेगा तो मैं यहां पर फिर दे लगा दूंगा, ठीक है, क्यों, आप देखो दोज, दोज के साथ दे, तो मैंने यहां लगा दिया दे, ठीक है, वो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है, इज इंट इट कि नहीं है, ठीक है,
तो अब यहां पर क्या है दिस, अब दिस के साथ में क्या यूज किया था मैंने एट, तो मैंने यहां लगा दिया एट। उसी तरह से दैट के साथ में क्या लगा है एट, बाकी रूल सेम चलते रहेंगे, मैं बार बार उन रूल्स पे बात नहीं करूंगा, जैसे आर की जगह आर की जगह आर, इस की जगह इज, ठीक है। फिर है देयर, तो देयर के साथ में मैं क्या लगाता हूं, देयर सेंटेंस पढ़ते हैं, देयर इज ए हैन, इज इन देयर, कि वहां पर एक हैन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि हम लोग किस तरह से सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं अगर वो इस फॉर्म में होता है तो, ठीक है। अगर तो वो कोई नाउन हो सीधा, कोई लड़के का नाम हो, कोई लड़की का नाम हो, या एक से ज्यादा लोगों का नाम हो, किसी ग्रुप का नाम हो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोनाउंस देते हैं। लेकिन यहां पर अगर इस तरह के प्रोनाउन आपके साथ यूज हो रहे हैं तो आप सेंटेंस में उनका चेंज करके ऐसे कर देंगे, क्वेश्चन टैग में आप बनाते समय ये चेंजेस ला देते हैं, ठीक है। अब एक और नोट हम देखते हैं, आप इसको नोट समझ लें या फिर आप इसको एक नया रूल समझ लें। तो ये क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लाउज इज नो वन, नन, एनी वन, सम वन, सम बडी, एवरी वन, एवरी बडी, नो बडी, तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा उसमें हम लोग सब्जेक्ट जो लगाएंगे वो हर हालत में दे लगने वाला है अगर ये सारे आप में सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूं, मैंने इसके कुछ ही एग्जांपल्स लिखे हैं क्योंकि आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यूज किया समवन, अब समवन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है यहां पे, तो समवन इनवाइटेड मी, अब ये पास्ट टेंस बन रहा है तो मैं यहां पर डिड लगा दूंगा क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो समवन के साथ मैं क्या बनाता हूं, डिडंट दे, यहां पर समवन है किसी एक की बात हो रही है लेकिन यहां दे लग रहा है, तो ये हमारा रूल है, इसको आप याद कर लेंगे। यहां पर किसी भी एक बंदे के बारे में बात चल रही है, ये सारे एक वचन होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, नो वन भी एक होता है, नन भी एक होता है, एनी वन भी एक, सम वन एक, ठीक है, एनी बडी, एवरी बडी, या आप कह लो एवरी वन, ये सारे के सारे एक चीज को शो करते हैं। हम लोग कई बार यूज करते हैं एवरी वन आर नहीं होता, एवरी वन के साथ इज आता है, यानी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं उसमें। सेकंड है एवरी वन वॉन्ट्स मी, यानी कि सब मुझे चाहते हैं, डजंट दे, अब यहां पर एवरी वन है फिर मैंने यहां पर दे लगा दिया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रूल्स, ठीक है। None के साथ में मैं फिर यहां पर क्या लगा दे रहा हूं, दे। इसी तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे या आप खुद बनाएंगे, फ्रेम करेंगे, तो आप देखेंगे आपको क्या करना है, अगला वाला जो पार्ट है यानी कि जो उसका क्वेश्चन टैग वाला क्लाउज है उसमें आप लोग दे लगा देंगे, ठीक है। ये पढ़ लेने के बाद थोड़ी सी बात करते हैं हम इस रूल पे, यहां लिखा है मेन क्लाउज सब्जेक्ट, आप ध्यान दीजिए सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट, यानी कि अगर सब्जेक्ट ये हुआ सेंटेंस में, आप देखेंगे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है, और यही सारे जो वर्ड्स हैं ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव्स की तरह भी काउंट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं दिस बुक इज माइन, अब दिस यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट बना रखा है, लेकिन मैं जब बोलता हूं दिस बुक इज माइन, तो दिस जो है वो बुक के साथ अटैच है, तो जो बुक है उसकी विशेषता बता रहा है दिस, यानी कि यह बुक, ठीक है। मैं दिस की जगह दैट कर सकता था, यानी कि वह बुक, दिस मैं यूज करता हूं पास की चीजों के लिए, दैट मैं यूज करता हूं दूर की चीजों के लिए, दीज मैं यूज करता हूं पास की चीजें अगर प्लूरल हो, और मैं दोज यूज करता हूं जब दूर की चीजें प्लूरल हो, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, इजंट इट, अब मैंने जो इट लगाया है वो दिस के साथ नहीं लगाया यहां पे, वो मैंने लगाया है आपका बुक के साथ, ठीक है। तो आपको एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है कि ये वाले जो वर्ड्स हैं अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तब तो आप डायरेक्टली इनके जो प्रोनाउंस लगाओगे क्वेश्चन टैग में वो ये वाले लगाओगे, लेकिन अगर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ये किस नाउन के साथ में यूज हो रहे हैं। तो आप जो क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन लगाओगे वो आप लगाओगे उस नाउन के हिसाब से, ना कि इन वर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको, फिर से मैं बता देता हूं एक बार ताकि आपको ध्यान रहे, कि एज ए सब्जेक्ट अगर ये यूज होंगे जैसा कि इन सेंटेंसेस में हो रहे हैं तो हम डायरेक्टली इन्हीं के प्रोनाउंस लगाते हैं यहां पे, आप देख सकते हैं, और अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तो जिस नाउन के साथ यूज होते हैं हम उस नाउन का प्रोनाउन यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ हमने अपने क्वेश्चन टैग्स के सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट का और उसके साथ यूज होने वाले प्रोनाउंस का, पहली चीज। दूसरा आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, जो फर्स्ट हाफ में हेल्पिंग वर्ब होगा वही सेकेंड हाफ में हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, और अगर फर्स्ट हाफ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड में हम लोग डू का फॉर्म यूज करेंगे। और तीसरी बात जो खास तौर पे ध्यान रखनी है, अगर पहला हाफ यानी कि मेन क्लाउज जो है वो पॉजिटिव हुआ तो आपका क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मेन क्लाउज नेगेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और इसी तरह से मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक और उसे समझने के बहुत आसान से तरीके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको पसंद आ ही गया है तो
तो उठाइए अपना फोन और आप फटाफट से इसको अपने सारे के सारे दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करिए और उनको आप कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये यूजफुल चीज़ें चलती रहेंगी और हमेशा चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।